हाय हाय, बैठ सकता हूँ ना इधर? क्यों है? नहीं बैठ सकता। बैठो बैठो। क्या काम है ऐसे? काम नहीं है, बस आपसे बात करनी थी। नहीं कर सकता क्या? नहीं, आजकल तो आप जानती हो लड़कों का आने से कोई ना कोई बुराई सोच लेती है। गलत मत समझो, ऐसा कोई नहीं हो। एक्चुअली ना मैंने आज सुना था कि आपकी दुआओं में बहुत जादू होता है। सच है ना ये? ये बात तो सच है। कौन कहता है नहीं है? मैं तो खुद बता रहा हूँ, ये बात सच है ना? सच बस समझो। मैं ऐसे तुम्हें कौन काम में पड़ गया? आप ऐसे आ गए मेरे पास, बताओ। दुआ लेने के लिए आया हूँ, आपसे दुआ लेने के लिए आया हूँ। लेकिन क्यों दुआ ले? तो समझ लो, आप मुझे पता है दुआ। तो बताओ क्या सा काम है, किस लिए आप आए हो? परेशान हूँ। कौन से परेशान हो? एक्चुअली ना अब आपको पर्सनली बोलूँ, देखो आपने भी कभी किसी से प्यार किया होगा ना? मैंने भी एक लड़की से बहुत प्यार किया था, मतलब बेइंतहा मोहब्बत की थी। वो ना मेरा प्यार नहीं समझ पाई और मेरे को छोड़ के चली गई। मैं ना कुत्ते की तरह भटक रहा हूँ, कभी कुतुब मीनार, कभी इंडिया गेट, कभी यहाँ, कभी वहाँ। मतलब पागल हो गया हूँ, पता नहीं कहाँ छोड़ के भाग गई। ऐसी क्या गलती हो गई थी? एक बात मैंने बताऊँ तुझे, अगर जो लड़की अगर सच्चा प्यार करती है ना, तो लड़कों नहीं तड़पता है, लड़कियों को तड़पना भी चाहिए। अरे वो तड़प दोनों की तरफ से प्यार होना चाहिए। प्यार तो मेरे की तरफ से था, वो तो मेरे को तड़पाती थी, कुत्ते की तरह तड़पाती थी। मेरे को इतना पागल हो गया बाबूजी। अरे मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं यार। वो भाग, आप इतने क्यूट हो, इतने स्मार्ट हो, जिसका भाग नसीब में आओगे तो उसका तो भाग नसीब खुल जाएगा बाबा। अगर आप जैसा क्यूट स्मार्ट लड़का मुझे मिल जाए ना, तो मैं 100 बार पूजा करूंगी भगवान के। आपको मिल जाए मेरी तरह अच्छा होना, आपको जैसा मैं तो खोज रही हूँ। गर्लफ्रेंड मुझे मिल जाए। गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं? बॉयफ्रेंड? गर्लफ्रेंड। अच्छा तो मैं तो बॉयफ्रेंड हूँ ना फिर। कोई बात नहीं, हम बॉयफ्रेंड तो बाद में आएगी। चलो तो मैं आपको ये दुआ करूंगी। बताए क्या होता है, मैं ना मैं नहीं चाह रहा कि मैं गलती से नसस काटूं अपनी उसके प्यार में, है आशिक बन जाऊं। तो मैं बस चाह रहा हूं कि बस उससे वो मेरे पास वापस आ जाए, मेरा प्यार समझ ले। आपकी दुआ के दुआ करूं वापस आ जाए यार वो, ना आ जाएगी ना? चलो कोई नहीं, आ जाएगा। आप दोनों की जोड़ी सलामत रहेगा, खुश रखना। मैं एकदम से दुआ करूं। अभी आपने मेरे को इतनी दुआ दी है, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। देखो आपने मेरे को दुआ कौन सी दी है? खुश रहने की। आप मुझे करोड़पति की दे दो कि मैं करोड़पति बन जाऊं। जोड़ी सलामत रहे, हर मन कामना पूरा करे, करोड़पति बन जाए मेरा भाई। आज से तू मेरा भाई ना, फ्रेंड नहीं बना रहे, आज से मैं भाई मान रही हूँ। आज से आप मेरे दीदी मान। आपने ऐसा बोला ना, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं करोड़पति बन जाऊंगा एकदम से। मेरा भाई बनेगा, माता रानी कृपा होगा तो मेरा भाई एकदम से करोड़पति बनेगा। मेरा भाभी जरूर आएगा किसी दिन, ठीक है? विश्वास करो अपने बहन पे, ठीक है? यार बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे लिए बहन काफी। चलो खा लेते हैं, कोई बात नहीं। जब भाई प्यार से खिलाऊंगी तो मैं जरूर खाऊंगी। चलो बस आ जाएगी ना अलग सा करोड़पति, आ जाएगा पक्का, आ जाएगा। आ जाएगा जिस दिन उस दिन भाई बता दे। एक्सक्यूज मी, आप ना अपनी पैंट चेंज कर लीजिए। हाँ कौन है आप? नहीं पैंट चेंज कर लीजिए आप अपनी। कर लीजिए, बता रहा हूँ, कर लीजिए पैंट चेंज कर लीजिए। क्यों चेंज करना है? एक्चुअली आपकी ना पैंट फटी हुई है, चेंज कर लीजिए इधर से। हेलो, इसे फटी हुई नहीं बोलते, ठीक है? ये इसे रिप जींस बोलते हैं। रिप जींस? हाँ, आपको पता नहीं है? नहीं दिखाई है? रेप जींस? रिप्ड जींस बोलते हैं। रिप जींस? हाँ पता नहीं था मुझे, लेकिन मुझे मैं तो आपके हेल्प करने के लिए सोचा। मैं लगे आप चल रहे हो, बोलता है इसे फटा हुआ पैंट, इसे रिप जींस। ये क्या बोले, फटा हुआ तो है, फटा हुआ तो इसी को बोलते हैं ना। देखो अंदर की पैंट, वो पैर दिख रहे हैं। ये स्टाइल है, ये स्टाइल दिख रहा है पैर दिखाने का। आपको नहीं मालूम? आपने कभी नहीं पहना है? नहीं मैंने नहीं पहना ना कभी। मैंने स्टार्टिंग में कोशिश। कहाँ से हो? कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। आप दिल्ली के लड़के हो कि ऐसा पैंट के बारे में भी नहीं मालूम? नहीं अरे ये तो फटी हुई है ना, मैंने मालूम था। वो तो मैंने इधर इधर में सलमान भाई को देखा था, एक जैसी फटी हुई थी। आपकी तो ये यहाँ फटी हुई है, फिर यहाँ यहाँ से भी फटी हुई है। सारे हो इसे रिप जींस बोलते? नहीं मुझे पता नहीं था यार, एक्चुअली मैंने सोचा हेल्प कर दूँ। फटी हुई पैंट, देखो आप शॉपिंग करके आ रहे हो तो मैंने कहीं पैंट भी खरीदोगे तो चेंज कर लो, क्योंकि ना फटी हुई पैंट मान लो आप मार्केट में निकलोगे तो अच्छा नहीं लगे। हंसा नहीं रहा, मैं सच बोल रहा था। आप मुझे पागल मत समझो, मैं तो हेल्प कर रहा हूँ लोगों को यार। ऐसे आप मैं पागल मत समझो यार। आप पागल तो नहीं हो, ये मर्जी, ये थोड़ी होता है कि आप क्यूट क्यूट हो तो मेरे को पागल बोलोगे। नहीं नहीं यार मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था, फटी हुई पैंट है इसलिए बोल रहा हूं। फैशन में आप तो यार मैं भी कुछ तो शायद सरोजनी में जाना पड़ेगा। सरोजनी में मिल जाएगी यार? मैंने स्टार्टिंग में ना, सच बताऊं तो मैंने स्टार्टिंग में ट्राई करी मेरे को लेने के लिए, लेकिन मेरे को कहीं मिली नहीं। कहां से मिलेगी? आप मुझे हेल्प मांगिए, मैं दे दूंगी। पैंट दे दोगे? क्या दे दोगे? पैंट नहीं, हेल्प। हेल्प किस चीज की? हेल्प दोगे? सरोजनी में जाइए ना, मिल जाएगा। चलो मैं आपको दिला लो। हम लोग बता रहे हैं ना कहां मिलेगा, तो मेरे को दिला लोगे आप सरोजनी से? मैं भी खरीद लूंगा। आप खुद का पैसा दीजिए, मैं दिला। नहीं पैसा मैं दूंगा, लेकिन आप चलोगे मेरे साथ में? चलूंगी अभी 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 नहीं, कल। कल तो फिर मिलेंगे कैसे? हम इधर ही रहते हैं ना, लोधी गार्डन में। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मेरे को ना, मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? यार ऐसे मत बोलो, या तो फिर अपनी उतार के दे दो आप। इसका थोड़ी ना होगा। नहीं मेरे को आ जाएगी, आ जाएगी। मैं पतला सही दूं?
लंबाई मैं थोड़ा यहाँ तक आ जाएगी, कैफरी बना लूंगा क्या हो जाएगा, दे दो उतार के पैंट अपनी फिर। मैं तो देखो मदद करता लोगों की, ये हंसी जा रही है, इतना भी हम हंस दो प्यार ना हो जाए फिर आप। हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस हंस के प्यार हो जाता है ना। बाकी थैंक यू सो मच, इंस्टाग्राम पे सूरज कुमार 25 तेरे को मैसेज कर देना, फिर कल मिल रहे हैं ना हम, तेरे को दिला दोगे ना फटी पैंट पक्का। अच्छा थैंक यू सो मच, थैंक यू। वैसे पैंट अगर दे देते तो मैं पहन लेता, मुझे लगा था बाकी तो। थैंक यू।